हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि गाइस आप एकदम इजीली गाइस ग्रैंड मास्टर हीरोइक पे कैसे पुश कर सकते हो गाइस। और गाइस ये मेरा एडवाइस नहीं है, ओके गाइस, जो कि मेरा बंदा है गाइस दो दिन में ग्रैंड मास्टर पे गया था, ओके गाइस, और 24 आवर में गाइस हीरोइक पे गया था। उसका एडवाइस बता रहा हूँ गाइस, उसने मेरे को सब कुछ बताया गाइस, जो जो उसने बताया गाइस मैं आपके साथ शेयर करूँगा गाइस कि आप एकदम इजीली गाइस हीरोइक पे कैसे जा सकते हो यार ग्रैंड मास्टर पे। तो गाइस आपको हीरोइक पे तो गाइस जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस, आपको भी पता है गाइस कितने सारे मतलब गाइस बच्चे बंदे आते हैं। शुरू में तो आपको इजी बंदे आने वाले नहीं है, ओके गाइस। तो गाइस मैं जैसे जैसे टिप्स बताऊंगा गाइस, अगर आप उसको फॉलो करते हो, ओके गाइस, रेगुलर फॉलो करते, अगर उसको एक भी बार ब्रेक नहीं करते हो, माइनस नहीं लेते हो, तो गाइस आपका 101% गाइस आप इजीली ग्रैंड मास्टर पे चले जाओगे। तो गाइस मैं जैसा जैसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं, तो गाइस वैसे वैसे फॉलो करो। और गाइस ये वीडियो मेरे को पता है बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, ओके गाइस, तो गाइस इस पे ध्यान मत देना गाइस। अगर आप ये वीडियो स्किप किए बिना देखते हो ना गाइस, आप 101% गलत हो गए, आप हीरोइक पे एकदम इजीली चले जाओगे। बस गाइस ये वीडियो बिना स्किप के देना देखना, और चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस बहुत ज्यादा बोल बच्चन कर दिया मैंने, चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। कैसे तो गाइस रैंक में सोलो स्क्वाड हूं, बहुत सारे गाइस सोलो स्क्वाड डू होते गाइस, मतलब इसमें से आप कौन सा खेलना अच्छा करते हो तो मुझे नहीं पता गाइस, पर मैं गाइस 151 सबका बताऊंगा गाइस कि आप मतलब किस में कितना अच्छा खेल सकते हो, ओके गाइस। मतलब वैसे अगर वो मैं जैसे जैसा बोल लो गाइस, आप वैसे फॉलो करते हो गाइस, तो आपका भी मतलब बोल रहा हूँ ना गाइस एकदम ईजी है गाइस, आप हीरोइक जा पाओगे। अगर गाइस आपको ग्रैंड मास्टर जाना है तो वैसे ही अप्लाई करना है, पर ज़्यादा करना पड़ेगा, ओके गाइस, खाने टाइम पर खेलना पड़ेगा भाई, हर टाइम पर खेलना ही आपको, ओके गाइस, नहीं खेलो तो आपको तो बहुत हार्ड पड़ने वाला है। ऐसा ही होता है गाइस, ग्रैंड मास्टर वाले देखना दिन भर ऑनलाइन ही रहते, ओके। मेरे दोस्त में भी एक बंदा ग्रैंड मास्टर पे, वो भी दिन भर ऑनलाइन रहते हैं। तो चलो गाइस पहले स्क्वाड की बात कर लेते हो गाइस। स्क्वाड में सबसे पहली बात गाइस कि आपकी स्क्वाड एकदम अच्छी होनी चाहिए गाइस, मतलब गाइस स्क्वाड में ऐसे बंदे रहने चाहिए गाइस कि दो बंदे तो कम से कम तो अच्छे होने चाहिए, आपको लगा कि दो बंदे अच्छे रहने चाहिए। भले गाइस दो बंदे अच्छे नहीं खेलते मतलब ठीक ठाक खेलते, मगर गाइस दो बंदे ऐसे रहने चाहिए कि अकेले दो को मार सके। कोई बंदा रहता है जो अकेले चार को भी मार पाता है, मगर गाइस दो काफ़ी है, एक बंदा अगर दो को मार लेता है तो स्क्वाड में बहुत अच्छा हो जाता है, स्क्वाड में दम आ जाता है, ओके गाइस। तो अच्छे बंदे लोग के साथ खेलो तो ईजिली आप पुश कर सकते हो स्क्वाड में। गाइस स्क्वाड मतलब बहुत डेंजर चीज़ भी है गाइस, ओके, अगर आपकी स्क्वाड अच्छी नहीं रही, सामने वाली स्क्वाड अच्छी रही तो आपको ईजिली मार देगा। इसलिए गाइस अपने साथ दो बंदे अच्छे लेके जाओ तो ईजिली आप मतलब भोया मार सकते हो, आराम से हीरोइक तक आराम से जा सकते हो, आप आँख बंद करके चले जाओगे हीरोइक पे। अभी बात करते हैं गाइस दूसरा बात, गाइस स्क्वाड में दूसरा बात, तो गाइस दूसरा बात दे गाइस रेंज डिस्टेंस, मतलब गाइस डिस्टेंस गाइस जो ज़्यादातर बंदे गाइस इतना दूर दूर मतलब गाइस 75 मीटर के अंदर ही रहना है या 50 मीटर के अंदर ही रहना है सबको, हाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जैसे 150 हो गया, 700 हो गया गाइस, बहुत सारे बंदे इतने दूर दूर गाइस, एक बंदा उधर रहता है क्लॉक टावर पे, एक बंदा पिक पे रहता है, एक बंदा पोचिनॉक पे रहता है, उससे क्या होगा गाइस, पुश होएगा नहीं होएगा गाइस, कोई एक बंदे को ले लेगा, बंदा स्क्वाड ले लेगी एक बंदे को पूरा, तो फिर क्या होगा गाइस, कोई फायदा नहीं होता है गाइस। कितने भी अच्छे बंदे रखोगे ना गाइस, कितने भी बड़े बड़े बंदे देखोगे ना गाइस, अकेला मतलब अकेला कोई भी घूमता नहीं, कोई भी रहे भाई, कोई भी रहे गाइस, कौन घूमता अकेला गाइस, जिसके मतलब दम रहता है गाइस कि अकेले वो चार बंदे को मार सकता है, उसको पास मतलब हिम्मत रहता है कि मार सकता है तभी घूमते। ऐसा नहीं कि आपको लगता है मैं अच्छा मार सकता हूँ चार बंदे को तो नहीं घूमना है, मतलब आपके स्क्वाड को लगता है आप मार सकते हो गाइस, ऐसा आपको लगता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मार दोगे चार बंदे को, आपको स्क्वाड से भी राय ले लेना, ओके गाइस, अकेले नहीं घूमना है, 50 मीटर के अंदर ही सब रहना, ओके गाइस, मैं तो एडवाइस दूंगा कितने भी अच्छे बंदे रहेंगे 50 मीटर के अंदर ही रहना। और गाइस तीसरा मतलब गाइस मैं तीसरा बात बताने वाला गाइस, वो भी बहुत ज़रूरी है गाइस, ग्लू वॉल टिप्स है गाइस, ग्लू वॉल टिप्स मतलब गाइस बहुत सारे बंदे मतलब गाइस स्क्वाड रहते गाइस, किसी के पास ग्लू वॉल नहीं रहता, तो गाइस मतलब स्क्वाड में मतलब सबके पास ग्लू वॉल है, क्या चारों बंदे के पास चार ग्लू वॉल है, तो गाइस मतलब सब बंदे एक ही जगह पे मतलब जोन में जाना है तो सब बंदे ग्लू वॉल नहीं लगाना है, कोई एक बंदे को बोलना ग्लू वॉल लगाओ और फिर गाइस आप उसके कवर में चले जाओ, फिर आगे जाओ उसको बोलो ग्लू वॉल लगाने को, नहीं तो गाइस क्या होता है प्रॉब्लम हो जाता है बाद में, पता है ना लास्ट जोन में कितना ग्लू वॉल की इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाता है गाइस बहुत ज़्यादा, अगर भूया चाहिए तो ग्लू वॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गाइस। तो गाइस आप ट्राई करना, और गाइस अपने जब टीममेट्स के साथ खेलते हो तो माइक ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, अगर माइक ऑन नहीं किया तो समझ लो भाई आपका पुश तो हो ही गया भाई सब गाइस, क्योंकि आपका वो बंदा बात ही नहीं सुनेगा कुछ, अगर आपको बोलना है बंदा इधर है तो गाइस वो बंदा बात ही नहीं सुनेगा, तो गाइस कैसे पता चलेगा कि उसको बंदा है, वो दूसरा चाके मर जाएगा
जाएगा। तो अभी बात करते गाइस चौथी चीज़ के बारे में, ओके गाइस, जो कि है गाइस प्लेस। ओके गाइस, मतलब स्क्वाड में कौन सी प्लेस अच्छी रहती है, मतलब पुश करने के लिए। जैसे पर्गेटरी में कौन सी प्लेस ब्राज़ील अच्छी होती है, या कौन सी प्लेस अच्छी होती है, या इधर बरमोडा में पीक अच्छा होता है, या क्लॉक टावर अच्छा होता है पुशिंग करने के लिए। ओके गाइस, देखो गाइस ये देखो ये मैप, ओके गाइस ये मैप है, मतलब गाइस ये मैप की अभी पुशिंग चालू है ना गाइस। ये देखो गाइस ये मैप है, मतलब जितने भी, मतलब जिसको भी पुश करनी है ना, मैप के आजू बाजू में ही उतरेंगे। हाँ, कोई सबको पता है इस बीच में उतने अच्छे बंदे उतरेंगे, सब आजू बाजू में उतरेंगे। तो गाइस आपको अपोजिट करना, मतलब गाइस उतरना पीक पे, पर पूरा बीच में नहीं उतरना है गाइस। देखो गाइस जैसे डबल डोर इधर हो गया, उधर नहीं उतरना है। जैसे कि इस पीक के बाजू में बहुत सारे घर होते हैं ना, उसके बाजू में उतरना है। बीच में उतरोगे तो जिंदा बचने का चांस ही नहीं गाइस। गाइस एक अगर आप समझ लो आप उतर रहे हो पीक के बीच में ही उतर रहे हो, पर गाइस एक ही स्क्वाड आ रही है, तो गाइस ऐसा मत समझना कि वो स्क्वाड अच्छी नहीं है, एक ही स्क्वाड में मार देंगे गाइस। वो बंदा वो बंदे लोग अच्छे रहेंगे तभी तो उतरे ना पीक पे। इसलिए गाइस ट्राई करना गाइस पीक पे उतर रहे हो पर बाजू में उतरना गाइस एकदम। जैसे कि स्कूल हो गया गाइस, उसके बाजू में सीमेंटेड है, उधर उतर सकते हो गाइस। नहीं तो उस साइड बहुत सारी जगह गाइस एल शेप पे उतर सकते हो गाइस, उधर मतलब कम बंदे आते हैं, मगर बीच में उतरोगे पिक के तो बहुत सारे बंदे आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइस ये स्क्वाड के लिए मैंने टिप्स बता दी। अभी बात करते गाइस डू के लिए, तो गाइस डू के लिए भी सेम यही होता है गाइस कि आपके मतलब फ्रेंड्स होते हैं ना स्क्वाड डू में गाइस, वो मतलब एक बंदा रहता है वो अच्छे खेलने वाला रहना चाहिए। ओके गाइस, दोनों में से कोई तो एक अच्छा खेलना ही चाहिए। ओके गाइस, नहीं तो गाइस फिर तो पता है क्या हो जाएगा, दोनों में से एक अच्छा ही खेलना मतलब। और गाइस वो मैप का भी सेम है गाइस कि आपको इसी मतलब अच्छे बंदे अच्छे जगह पे उतरते हो तो गाइस आपको अलग बाजू में रहना। ओके गाइस, मतलब गाइस डू में एक दो प्रॉफिट रहता है गाइस कि एक बंदा दो बंदे को इजीली मार पाता है, पर गाइस ऐसा स्क्वाड में नहीं होता, इसलिए सब साथ में रहना। और बात करते हैं गाइस अभी सोलो की, तो गाइस सोलो में गाइस मतलब सबसे इंपॉर्टेंस ही होता है गाइस आपका मतलब सर्वाइव कैसे करते हो, सबसे इंपॉर्टेंस ही होता है गाइस आप सर्वाइव कैसे करते हो, आप कैसे गाइस मतलब बहुत सारे बंदे कैसे गाइस सर्वाइव भी नहीं करते, घूमते रहते। अगर आप शुरू में मर जाते हो तो गाइस आपको पता है कितना गंदा वाला माइनस होता है, बहुत ही गंदा वाला। तो गाइस आपको करना क्या है, सर्वाइव करना है। जैसे कि समझ लो गाइस आपको कि ना सोलो में खेलते तो मैं बोलूँगा गाइस टॉप 10 में आने तक आपको एक गोली भी नहीं चलानी है, एक गोली तक नहीं चलानी। ओके गाइस, एक टाइम स्क्वाड में बच जाओगे, डू में बच जाओगे गाइस, मगर सोलो में कोई भी आपको नहीं बचा सकता अगर आपने गोली चला दी फाइट कर दी। तो गाइस आपको गोली नहीं चलानी, जितना हो सके गाइस बंदा से बचने की कोशिश करना, ना कि बंदे को मारने के पीछे पड़ गए। गाइस बंदे से बचना है ना कि मारना है। गाइस जैसे आप टॉप 10 में पहुंच जाते हो गाइस मारना स्टार्ट कर सकते हो, आप एकदम बाहर निकल के घूम सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर गाइस लूट कर जमा करके रखना, मतलब गाइस एक घर में लूट वूट करके मस्त बैठ जाना। ओके गाइस, जैसे डबल डोर में बैठ सकते हो वो भी अच्छा घर गाइस, मतलब एक जगह पे बैठ जाने गाइस, चलने उलने का नहीं गाइस। बंदा वो आता है, मतलब जो बंदे को पटेली रहती है गाइस वो डायरेक्ट रश कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, उसको आने देना है, लैंडमाइन वैंडमाइन लगा के रखना है और मार देना है। उससे क्या गाइस आपके पास ही प्रॉफिट है, कोई मतलब आपके पास इतना टेंशन नहीं झंझट नहीं रहेगा। मगर गाइस आप घूम रहे हो बाहर तो गाइस डर बना रहता है गाइस, क्या पता दो बंदे के बीच में आप पिस जाओगे। तो गाइस आपको ट्राई करना है सर्वाइव करने का, टॉप 10 में आने के बाद आपको जितना मारना है मारो, उसके बाद मारो गाइस। पर टॉप 10 से मतलब जैसे कि आप टॉप 20 में हो, टॉप 25 में हो, अगर आप मर गए तो माइनस तो कंफर्म होएगा सोलो में। ओके गाइस, और गाइस एक सोलो में एक बात अच्छी है गाइस कि अगर आप अकेले ही खेलते हो, पर गाइस इतना ज़्यादा प्लस होता है, इतना ज़्यादा प्लस होता है सोलो में गाइस, मज़ा आ जाता है। 70-75 प्लस हुआ था गाइस, मैं जब पल्टीनम 4 या 3 पे था तभी गाइस मेरा बहुत ज़्यादा प्लस हुआ था। ओके गाइस, तो गाइस आपको ट्राई करना है गाइस सोलो, अगर गाइस आपके पास स्क्वाड नहीं तो मैं नॉर्मल सी बात है गाइस आपको सोलो ही खेलना है, अच्छी स्क्वाड नहीं तो गाइस, अगर आपके पास स्क्वाड है पर आपको लगता है ये स्क्वाड अच्छी नहीं तो सोलो ही खेलो। ओके गाइस, मैं गाइस पहला राय देता हूँ गाइस शुरू में, आप जैसे कि स्क्वाड खेल रहे हो ना तो शुरू में रश करके ही खेलो। ओके, ज़्यादा मतलब ये मत करो, क्योंकि रश मतलब गाइस वैसा रश नहीं करना कि बस घूमते रहो, ऐसा नहीं गाइस, मतलब जैसे पीक हो गया ना उधर ही उतरा करो शुरू में, जब तक आप पल्टीनम में नहीं पहुंच जाओ, उसके बाद आप सोलो मतलब के सर्वाइव कर सकते हो, उसके बाद सर्वाइव कर देना। शुरू में तो थोड़ा सा रश करके ही खेलो, क्योंकि शुरू में गाइस कोई भी बंदा बीच में उतरने वाला नहीं, सब के सब बाजू में गाइस, जो बंदा बीच में उतरेगा गाइस वो बंदा अच्छा ही रहेगा। हाँ, ये मैं गाइस ये बात याद रखना गाइस, जो भी बंदा बीच में उतरेगा गाइस वो बंदा अच्छा रहेगा, इसे मतलब नुबड़ा नहीं रहेगा कि वो बीच में उतर गया वैसे ही। तो गाइस ट्राई करना अच्छा बेस्ट देने की गाइस, सर्वाइव में भी अच्छे से सर्वाइव करना इजीली गाइस आप रैंक, अगर गाइस मैं जो जो बोल रहा हूँ गाइस आप उसको फॉलो करते हो तो गाइस आप इजीली हीरोइक पे जा सकते हो। अगर गाइस यही अगर आप दिन रात मेहनत करते हो तो गाइस ग्रैंड मास्टर भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर गाइस यही हफ्ते एक हफ्ते ऐसे मेहनत करोगे ना गाइस, जैसे सीजन आता है तो गाइस आप ग्रैंड मास्टर पे पहुंच जाओगे गाइस। गाइस मेरा दोस्त मैंने अपने दोस्त मेरा दोस्त है गाइस ग्रैंड मास्टर से, उस पर मैंने एडवाइस ली तो गाइस उसने वही बोला गाइस जो मैं बोल रहा हूँ गाइस, उसने वही बोला तो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो गाइस आप बताना गाइस आपको ये सब टिप्स कैसे लगे गाइस।
थोड़े से भी अच्छे लगे गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का ऑल के ऊपर सेट कर देना। गाइस इतना बड़ा गाइस मैंने आप लोग को बताया गाइस, उस बंदे से पूछ के गाइस, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था गाइस, फिर भी मैंने कितना बंदे से पूछा, फिर उसने बताया गाइस, और फिर गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ गाइस, शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये बात कोई शेयर नहीं करता गाइस, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो गाइस आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है। और गाइस सब लोग गाइस जो भी नए हो ना गाइस सब सब्सक्राइब करके ही जाना ओके गाइस। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।